वेलकम टू जीरो से जीनियर्स तक। इस वीडियो क्विज टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान के 25 इम्पोर्टेंट सवालों को, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ध्यान रहे, आपको इन 25 सवालों में कम से कम 12 सवालों का राइट आंसर करना अनिवार्य है। तो ध्यान से खेलिएगा, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर टू, चमगादड़ किस प्रकार की प्राणी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर तीन, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, B12 में। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? B12। क्वेश्चन नंबर फोर, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर रिटायर हो जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर फाइव, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। क्वेश्चन नेक्स्ट, डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोग्लिसरीन की। क्वेश्चन नंबर सेवन, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर एट, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलहन। क्वेश्चन नंबर नाइन, महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था और ये मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर टेन, कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 12, तमाशा
एवं लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? तमाशा एवं लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इराक। क्वेश्चन नंबर 14, अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिराना। क्वेश्चन नंबर 15, नवरत्नों का संबंध किससे है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 16, शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ का ये स्टेटमेंट है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा? वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस की स्थापना कब हुई थी? सवाल फिर से सुन लीजिए, सवाल अच्छे हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब स्थापना की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। आगे सवाल है, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वियना। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है नाइट्रोजन को। आगे सवाल है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? आप में से पूरे जितने भी कमेंट करे वे सभी ने राइट आंसर कमेंट करे थे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आपके लिए एक नया सवाल है, यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा Q4U और इसके राइट आंसर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर के साथ साथ आप अपने स्कोर को भी वहां पे टाइप करके कमेंट करिए, और आप हमारे इस 9 बजे वाले एपिसोड के साथ रेगुलर रहिए। आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो भी करते हैं करिए, साथ में इस वीडियो को देखते चलिए, आपका नॉलेज बढ़ते चला जाएगा। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।